हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूँ। अब आपको जो सरप्राइज देना था मुझे, उसका टाइम आ गया है। आज का जो नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है, वो काफी लंबा चलेगा, क्योंकि इस सीरीज में हम एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ आपके इंटरव्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, स्किल टेस्ट से सारे रिलेटेशन, मतलब तीनों जो कॉम्बिनेशन है वो एक वीडियो में आपको मिलेंगे। और ये वीडियो काफी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बेसिक चीजें भी बताएंगे कि आप जो कॉलेज टाइम में है तो उसे पढ़ना है तो कैसे एग्जाम देना है, दूसरा अगर आप किसी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं तब उस समय आपको क्या करना है, और तीसरा चीज क्या करना है कि अगर आप स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं किसी कंपनी का तो कैसे आप देंगे। वो तीनों इसी वीडियो में कवर होने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो सीरीज स्टार्ट होगी उसमें हम इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सभी, जैसे पंप, कंप्रेसर, फर्नेस, डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर्स, वॉल्व, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा आपको फिगर में आज दिख रहा होगा कि आज हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात करेंगे, इसके एप्लीकेशन सारे बात करेंगे कि कैसे वर्क करता है, जो स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको करेंगे। और स्किल टेस्ट मीन्स जो प्लांट में ले जाकर आपका इंटरव्यू होगा, उस टाइम में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका मैंने ढेर सारा लिस्ट बनाया है, जो इसका बेसिक खत्म करने के बाद मैं बताऊंगा। जैसा आपको लास्ट में लिखा है, इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो बड़ी होगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ एक पॉइंट पे आपको बोरिंग महसूस नहीं होगी, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, इसलिए लास्ट तक वीडियो के जरूर बने रहिएगा। जैसा मैं आपसे कहता हूँ तो वैसा करता भी हूँ, ठीक। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले सेंट्रीफ्यूगल पंप के पूरे डिस्कशन के बारे में, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो जैसा आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप से पहले हम पंप के बारे में जान लें कि क्या होता है पंप। तो पंप हमारी ऐसी डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को हमारा प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और यह जो प्रेशर एनर्जी जनरेट होती है वो लिक्विड को लो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचाने में हेल्प करती है। ये हमारा होता है बेसिकली वर्क ऑफ पंप। और पंप का बेसिकली अगर वर्ड एक वर्ड में बोले तो पंप का यूज हमारा लिक्विड के ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है, ये आप बोल सकते हैं। ये तो हमारा हो गया बेसिक की इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे, तो पंप के बारे में हम बता दिया क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे लिक्विड के ट्रांसपोर्टेशन में मोस्टली यूज किया जाता है। बात आती है इसकी प्रिंसिपल की, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके नाम से आपको पता चल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल मींस ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पे वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ये वर्क करता है हमारा। और आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला बता सकते हैं, एफ इजकल टू एमवी स्क्वायर अपॉन आर। और सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो हमेशा डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ होती है, ये आपको याद रखना है, ये बेसिक चीजें आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे, प्रिंसिपल हमारा हो गया कि सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब हम बात करेंगे कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि फिगर मैंने आपके सामने पहले ही बनाया है, जैसा आप जानते हैं मैंने सारे पंप की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। इस वीडियो में मोस्टली फोकस जो होगा, ये स्टार्टिंग में मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं वो भी देख लें, एक वीडियो में सभी चीजें आपको मिले, बेसिक भी मिले, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और स्किल टेस्ट, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन आप धैर्य बना कर रखिएगा। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे मेन पार्ट क्या है इसका? केसिंग, ये जो बाहर का आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं केसिंग। इसके अंदर हमारा इम्पेलर लगा होता है, इम्पेलर का ये आई होता है। इसमें दो पाइप्स होते हैं, एक सक्शन पाइप, एक डिस्चार्ज पाइप होता है अपना। डिस्चार्ज पाइप में एनआरवी मीन्स नॉन रिटर्निंग वॉल्व। एक काम आप और कीजिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ताकि जो जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कि अगर बाय चांस आप इंटरव्यू या कुछ देने जा रहे हैं तो एक बार आपको देखनी पड़े। लेकिन मैं इतना बेसिक आपको समझाऊंगा कि आप एक बार वीडियो अगर देखे हैं तो भूलने के कोई चांस नहीं है, ठीक। सक्शन पाइप हो गए, डिस्चार्ज पाइप हो गए, एनआरवी हो गए। यहाँ फुटबॉल स्ट्रेनर, ये स्ट्रेनर हमारा लगा हुआ है, और फुटबॉल एक टाइप का नॉन रिटर्निंग बॉल ही होता है एनआरवी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सभी एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन कीजिए करूंगा, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो पार्ट्स, अब एक एक पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे केसिंग के बारे में बात करते हैं। चलिए फर्स्ट हम केसिंग के बारे में बात करें। केसिंग हमारा एक ऐसा पार्ट्स होता है पंप का
जिसके अंदर हमारा जो रोटेटिंग पार्ट्स इंपेलर होता है वो कवर्ड होता है। इसके अंदर हमारा इंपेलर मूव करता है, ये जो हमारा केसिंग है उसके अंदर हमारा जो इंपेलर है वो मूव करता है। ठीक, इस केसिंग के थ्रू हमारी डिस्चार्ज पाइप और सक्शन पाइप कनेक्ट होती हैं। ठीक, इस केसिंग के थ्रू हमारा सक्शन पाइप एंड डिस्चार्ज पाइप कनेक्ट होते हैं, ये हमारा केसिंग का मेन यूज होता है। तीसरा यूज क्या है, जो हमारा केसिंग है जो इंपेलर द्वारा काइनेटिक एनर्जी मिलती है लिक्विड को उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अभी आगे मैं जब वर्किंग बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये तीन काम होते हैं, हमारे इंपेलर को कवर करता है, दूसरा सक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप को कनेक्ट करके रखता है, तीसरा जो इंपेलर से काइनेटिक एनर्जी मिलती है लिक्विड को उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है केसिंग। अब हम बात करें हमारी केसिंग कितने टाइप की यूज की जाती है, तो केसिंग हमारी थ्री टाइप्स के यूज किए जाते हैं। नंबर एक वॉल्यूट, नंबर दो वॉर्टेक्स, नंबर थ्री डिफ्यूजर। ये तीन टाइप के हमारे केसिंग यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में। तो ये जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम टाइप केसिंग की, कि वॉल्यूम टाइप केसिंग में क्या होता है। वॉल्यूम टाइप केसिंग में क्या होगा कि जो केसिंग होगी पहले उसका एरिया कम होगा लेकिन धीरे 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 उसका एरिया बढ़ता जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम टाइप केसिंग होती है। इसका पर्पज क्या हो लगाने का, वॉल्यूम टाइप केसिंग में क्या होता है, एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा क्या होगा प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी, एरिया बढ़ने से हमारा प्रेशर ज्यादा होता है। ये मैंने आपको दो चार बार बताया, फिर भी एक बार बताता हूँ और कैसे। यहाँ दो इक्वेशन हमारा अप्लाई होता है, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दूसरा बर्नौली इक्वेशन पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मेरे दो इक्वेशन है। अब कहोगे सर कैसे एरिया बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है वो समझाओ। मैं तो यहाँ देखिए क्या होता है, अगर एरिया हमारा बढ़ता है और ये टोटल वैल्यू इसकी कांस्टेंट है तो एरिया बढ़ने से हमारी वेलोसिटी कम होगी, सिंपल सी चीज है ना, एरिया बढ़ने से वेलोसिटी कम होगी। अब वेलोसिटी को पकड़ो इस टर्म में, वेलोसिटी अगर कम होगी, वेलोसिटी यहाँ कम कर दो और टोटल हाइट हमारी, हाइट उसे में कोई हाइट में डिफरेंस नहीं तो हाइट तो जीरो हो गया, वेलोसिटी अगर कम हो रही थी तो इस प्रेशर को तो बढ़ना होगा ना, तो एरिया और प्रेशर को कॉम्बिनेशन करो कि एरिया बढ़ने से प्रेशर हमारा बढ़ रहा है, समझ में आया। ऐसे यहां अप्लाई करते हैं कि एरिया बढ़ने के साथ प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है। ओके, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि जब एरिया बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है ना तो इसमें एडीज फॉर्मेशन होती है, मतलब टर्बुलेंस जनरेट ज्यादा होते हैं जिससे पंप की इफिशियंसी हमारी लो हो जाती है। ठीक, ये हो गया हमारा वॉल्यूम के बारे में। अब बात कर लेते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स टाइप केसिंग क्या होती है, मैं आपको जो चीज बोलूंगा उसका फिगर साइड में दिखाता रहूंगा ताकि आपको किसी टाइप की कंफ्यूजन ना हो। ठीक, वर्टेक्स टाइप केसिंग क्या होती है, वर्टेक्स टाइप केसिंग में क्या होती है, जो ये इंपेलर होता है ये वर्टेक्स चैम्बर के अंदर रख लिया जाता है, वर्टेक्स एक चैम्बर होता है उसके अंदर केसिंग रख ली, ये हमारा जो हमारे इंपेलर है उसको रख लिया जाता है, लेकिन जो फ्लो होता है लिक्विड का उसी वर्टेक्स जो हमारा केसिंग होता है उसके थ्रू हमारा निकलता है। इसमें क्या फायदा होता है कि जो हमारी एडीज होती है उनका फॉर्मेशन कम होता है। ठीक, अब बात करते हैं डिफ्यूजर टाइप केसिंग में। डिफ्यूजर टाइप केसिंग में क्या होता है, जो हमारा इंपेलर होता है इसके ऊपर एक प्लेट रख दी जाती है, डिफ्यूजर प्लेट बोलते हैं उसको, हम ज्वाइंट कर देते हैं उसके थ्रू लिक्विड पास होता है, ये सबसे बेस्ट होता है जिससे एडीज फॉर्मेशन नहीं होती है, बट इसकी इकोनॉमी बढ़ जाने के कारण इसको कम यूज किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं इंडस्ट्रियल मेन पर्पज होता है इकोनॉमी को बढ़ाना, मीन्स अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाना और कॉस्ट कम लगे। ठीक, इसलिए मोस्टली डिफ्यूजर नहीं यूज करते, वॉल्यूट हम यूज करते हैं। ये बेसिकली हो गया हमारे केसिंग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं केसिंग के बाद इंपेलर के बारे में बात करें। इंपेलर सेकंड नंबर, ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं लेकिन एक वीडियो में सभी चीजें हो इसलिए मैं एक बार में बता रहा हूं, इंपेलर के बारे में बता देता हूं। हमारा जो इंपेलर्स है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, पहले मैं बता देता हूँ इंपेलर का काम क्या है। इंपेलर जो होता है वो पंप का हर्ट बोला जाता है, इसको पंप का हर्ट बोलते हैं क्योंकि यही एक ऐसा इक्विपमेंट है, इसका पार्ट्स है जो लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है मैकेनिकल एनर्जी से। ओके ना, मैकेनिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है इसलिए इसको हर्ट बोलते हैं। ये जो इसको आपको दिख रहा है इसको ब्लेड बोलते हैं, इसको इंपेलर का ब्लेड बोलते हैं ना। ठीक, तो क्या होता है इंपेलर में थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ओपन इंपेलर, नंबर दो होता है सेमी ओपन, या आप इसको बोल सकते हैं सेमी क्लोज,
अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। थर्ड जो अपना होता है वो क्लोज टाइप इंपेलर होता है। तीन टाइप के इंपेलर हमारे पास होते हैं, तो एक एक करके समझते हैं कब कौन सा यूज करते हैं। जो हमारा ओपन इंपेलर होता है, वो ओपन इंपेलर में क्या होता है, जो हमारी इंपेलर होगी, इंपेलर ब्लेड होगी, उस पर कोई भी प्लेट्स हम ज्वाइंट नहीं करेंगे, सिंपल इंपेलर होगा। इसका यूज तब करते हैं जब हमारे लिक्विड में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। मीन्स जब सस्पेंडेड पार्टिकल जब लिक्विड में सस्पेंडेड पार्टिकल हाई अमाउंट में होते हैं, तब हम ओपन इंपेलर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज। इसमें क्या होता है, ये इंपेलर है, इसको एक साइड से प्लेट से हम कवर कर देंगे और दूसरा साइड ओपन रहेगा। इसको हम सेमी ओपन भी बोल सकते हैं और सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। इसका यूज तब करते हैं जब हमारे लिक्विड में बहुत लेस अमाउंट में सस्पेंडेड पार्टिकल हो, वेरी लेस अमाउंट में सस्पेंडेड पार्टिकल हो, तब हम वो यूज करते हैं सेमी ओपन। अब हम बात करते हैं क्लोज इंपेलर कब यूज करते हैं। क्लोज इंपेलर क्या होता है कि ये हमारे इंपेलर है, इसको एक साइड एंड एक साइड दोनों साइड से हम प्लेट से कवर कर देते हैं, जैसा फिगर में आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ से कवर कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारा लिक्विड क्लियर होता है, मीन्स कोई सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं होते, मीन्स क्लियर लिक्विड के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब बात आता है और दो पार्ट कौन से बचे हमारे, आई मीन्स जो हमारे इंपेलर का सेंटर होता है उसको बोलते हैं आई। केसिंग हो गया, इंपेलर हो गया, आई हो गया। इसमें हमारे पास दो पाइप्स होते हैं, एक सक्शन पाइप, एक डिस्चार्ज पाइप। पहले सक्शन पाइप के बारे में बात करें। सक्शन पाइप एक ऐसा पाइप होता है कि जहां से हमें लिक्विड को उठाना है, मीन्स सम्प से जहां से लिक्विड को लेना है, उसको और पंप की आई को कनेक्ट करता है। ये हमारा होता है सक्शन पाइप। सक्शन पाइप का मेन काम है जहां से हमें लिक्विड को पिकअप करना है और सेंटर की आई तक छोड़ना है, इसका काम होता है हमारा सक्शन पाइप का। ठीक, अब इसमें क्या होता है, दूसरा क्या, इसकी बात कर लेते हैं। डिस्चार्ज पाइप, डिस्चार्ज पाइप का काम क्या होता है कि जो इंपेलर से हमारा पंप से जो लिक्विड डिस्चार्ज हुआ, उसको डिजायर हाइट तक जहां हमें पहुंचाना है, वहां तक पहुंचाने का काम होता है हमारा डिस्चार्ज पाइप का। सिंपल सा चीज है। अब हम बात कर लें कि ये हमारा फुटवॉल स्ट्रेनर क्या होता है। मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं कि फुटवॉल स्ट्रेनर क्या है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेनर क्या है। तो स्ट्रेनर बेसिकली कुछ नहीं होता है, स्ट्रेनर एक छन्नी टाइप का होता है, मतलब फिल्टर होता है, जिसका काम क्या होता है कि जहां से सम्प से हम कोई भी लिक्विड पिकअप कर रहे हैं, वहां से सक कर रहे हैं, उसमें अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारे कूड़ा करकट हो गया, मिट्टी हो गया, इन सबको पंप में ना जाने देने के लिए हम यहाँ पर स्ट्रेनर प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे पंप की एफिशिएंसी बढ़ी रहे, पंप खराब ना हो, कोरोजन ना हो। ठीक है ना, इसलिए स्ट्रेनर। अब आ जाती है फुटबॉल क्यों यूज करते हैं, फुटबॉल स्ट्रेनर नाम क्यों। क्या होता है कि अगर हमारा बाई चांस चलिए पंप चल रहा था, ठीक, और अचानक पावर फेलियर के कारण ये पंप बंद हो जाता है, तो क्या होगा, अगर पंप कहीं ऊंचाई पर रखा हुआ, अधिक हाइट पर रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये लिक्विड हमारा नीचे आ जाएगा, जस्ट यहाँ जितना लिक्विड फिल होगा वो नीचे आ जाएगा। इसी को अवॉइड करने के लिए फुट वॉल दिया जाता है। ये एक आपका एनआरवी होता है, मीन्स नॉन रिटर्निंग वॉल। एक बार जो लिक्विड यहाँ से पिकअप हो गई, ये वॉल क्या करेगा, इस टाइप का देखिए होता है एनआरवी, इस टाइप का होगा, यहाँ पे इसको हिंच कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, जब लिक्विड आएगा पंप चलेगा, तो क्या करेगा, ऐसे ये उठ जाएगा, ये उठ जाएगा, तो लिक्विड ऐसे जाने लगेगा। लेकिन जब पंप बंद होता है तो क्या होगा, लिक्विड को बैक ना आने दे, इसलिए जैसे लिक्विड नहीं आएगा ये ऐसे बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा तो लिक्विड यहाँ से नीचे नहीं जा पाएगा। ये काम होता है एनआरवी का अपने। ठीक, तो फुट वॉल स्ट्रेनर आपको समझ में आया कि स्ट्रेनर हमारा फिल्टर का काम करता है और फुट वॉल लिक्विड को बैक नहीं जाने देता। अब बात करते हैं एनआरवी जो डिस्चार्ज में लगा होता है, इसका काम होता है सेम ये काम, नॉन रिटर्निंग वॉल, कि एक बार जो लिक्विड यहाँ से डिस्चार्ज हो गया पंप से, उसको वापस ना आने दे, ये इसका काम होता है। अभी आगे जब हम क्वेश्चनिंग करेंगे फिर मैं आपको पता चलेगा इसका मेन पर्पज कि इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं, ना करें तो क्या प्रॉब्लम है, अभी उसके परेशान मत होइए। बस इतना जानिए लिक्विड के बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर एनआरवी प्रोवाइड किया जाता है। ये बेसिकली पूरा फंडा होता है सारे पार्ट्स का, पार्ट्स हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे वर्किंग की, सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क कैसे करता है, ये भी मेन चीज है, इसको जानेंगे। अब सिंपल सा चीज देखिए, आपको क्या करना है, इंडस्ट्रियल जो वर्किंग है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बेसिकली जो आपका थ्योरेटिकल बताना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लिक्विड के सक्शन लाइन, केसिंग और डिस्चार्ज को उसी लिक्विड से फिल कर देंगे, उस लिक्विड से फिल करेंगे जिसको हमें पंप करना है। एक बार फिल हो गया, इस फिनोमेना को बोलते हैं प्राइमिंग।
अभी आगे चल के मैं और अच्छे से इसके बारे में डिटेल करूंगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं प्राइमरी सक्शन लाइन डिस्चार्ज केसिंग, और डिस्चार्ज में हम लिक्विड वही फिल कर दिए। ठीक, अब हमने पंप को स्टार्ट किया। पंप को स्टार्ट करने से क्या होगा कि ये जो हमारा इंपेलर है वो वेरी हाई स्पीड से मूव करना स्टार्ट करेगा, वेरी हाई स्पीड से मूव करना स्टार्ट करेगा। तो आप देखे होंगे जैसे घरों में बाल्टी में अगर पानी लेकर आप उसे रोटेट करते हैं ऐसे से, तो सेंटर पे हमारा पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है कोई भी अगर पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, ये आपने देखा ना। तो क्या होता है मीन्स यहाँ पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब मानिए कि यहाँ जहां से हमें लिक्विड पिकअप करना था वहां एटमोस्फेरिक प्रेशर था, मतलब 1 atm प्रेशर था, एटमोस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं। और जब ये वेरी हाई स्पीड से रोटेट करेगा तो यहाँ लो प्रेशर जनरेट होगा, मान लेते हैं लेस देन एटमोस्फेरिक, लेस देन एटमोस्फेरिक। तो आप जानते हैं किसी भी लिक्विड का फ्लो कहां से कहां होता है, फ्लूइड का फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है कोई भी मटेरियल। तो यहां प्रेशर हमारा 1 atm, यहां प्रेशर हमारा उससे कम, तो जो हमारे यहाँ लिक्विड होगा ना वो सक होना स्टार्ट करेगा, मीन्स सक होते हुए हमारे इसकी आई तक पहुंच जाएगा। अब आई तक पहुंच गया, ये हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये ब्लेड्स बहुत तेज रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा जो ये इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है, लिक्विड के पास जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये इंपेलर क्या करेगा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब बहुत हाई स्पीड में रोटेट होगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और ये लिक्विड जाके केसिंग की वॉल से टकराएंगे, केसिंग की वॉल से टकराएंगे तो उनके पास प्रेशर एनर्जी जनरेट होगा। जब केसिंग से टकराएंगे तो प्रेशर एनर्जी जनरेट होगा, और देख रहे हैं जैसे आप धीरे 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 इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। तो मैंने बताया था एरिया बढ़ने से हमारा प्रेशर बढ़ता है, तो एरिया जैसे जैसे बढ़ता गया हमारी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती गई, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब मान लीजिए यहाँ हाई प्रेशर है हमारे पास, हाई प्रेशर, और जहां में डिस्चार्ज करना है वो हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है, एटमोस्फेरिक। तो लिक्विड का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसके कंपेयर टू ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, तो ये लिक्विड का फ्लो हमारा इसके थ्रू डिस्चार्ज से हो जाएगा जहां पर हमें डिजायर चाहिए। ये हमारा होता है बेसिकली वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सिंपल सा बात, पंप हमने स्टार्ट किया, इंपेलर मूव करना स्टार्ट किया, पार्शियली वैक्यूम इसके आई पे जनरेट हुआ, हाई प्रेशर लो प्रेशर, लिक्विड पंप होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पंप हुआ, उसके पास काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई, काइनेटिक एनर्जी जब हुई तो लिक्विड हमारा केसिंग की तरफ गया, केसिंग पे गया तो एरिया बढ़ने के साथ साथ हमारा काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। प्रेशर ज्यादा है प्रेशर कम है तो हाई टू लो की तरफ लिक्विड पंप हो जाता है। ये बेसिकली फंडा हो गया हमारा वर्किंग का सेंट्रीफ्यूगल पंप का। अब हम बात कर लें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि जगह मिले इसको लिखने के लिए। उम्मीद करता हूँ मैं आप बिल्कुल बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेन फोकस इस पे होगा, इंटरव्यू क्वेश्चन है स्किल टेस्ट पे। ओके, तो मैं किसके बारे में बात करने वाला था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहले एडवांटेज के बारे में बात कर लें। क्या होता है इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वेरी इजी होती है, मतलब इजी कंस्ट्रक्शन होता है, इजी कंस्ट्रक्शन अदर पंप के कंपैरिजन इसका बहुत इजी कंस्ट्रक्शन होता है। इजी कंस्ट्रक्शन है तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट वेरी लो होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट लो होगा। थर्ड चीज जो होता है इसको जो ऑपरेट करना होता है वेरी इजी होता है, ऑपरेट ऑपरेट करना वेरी इजी होता है। फोर्थ नंबर जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज वहां करते हैं जहां पर हमें हाई फ्लो की जरूरत होती है, मतलब जहां हमें हाई फ्लो चाहिए होता है, हाई फ्लो वहां पर हम मोस्टली सेंट्रीफ्यूगल पंप हम यूज करते हैं। अब बात कर लें कि डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं। डिसएडवांटेज में नंबर वन पर देखते हैं क्या हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा हम विस्कस लिक्विड को पंप नहीं करते हैं, मींस विस्कस लिक्विड जो होगा, विस्कस लिक्विड के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज नहीं करते हैं, इसके लिए अदर पंप जैसे गियर पंप ऐसे हम यूज करते हैं, स्क्रू पंप यूज करते हैं। दूसरा नंबर, इसका यूज हाई प्रेशर के लिए हम नहीं कर सकते हैं, जहां पर हमें हाई प्रेशर चाहिए होता है, जहां हाई प्रेशर चाहिए होता है वहां पर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज नहीं करते हैं। ये होता है हमारा इसके बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। ये आपको क्लियर
क्लासरूम में भी पूछा जाएगा, एग्जाम में आपके इंटरव्यू में ये सब चीज़ें पूछी जाएंगे और स्किल टेस्ट में बेसिक चीज़ें ये पूछी जाएंगी। अब हम बात करने वाले हैं अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन और स्किल टेस्ट के क्वेश्चन में कि क्या वहाँ पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्किल टेस्ट के क्वेश्चन और इंटरव्यू के क्वेश्चन मैंने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्टली बार बार स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में यही पूछे जाते हैं। तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन कलेक्शन किया हूँ कि आप सोचेंगे कि सारे क्वेश्चन इसमें कवर हैं, सारे क्वेश्चन कवर हैं। तो मैंने उसका एक लिस्ट बनाई है जिससे क्वेश्चन कोई मिस ना रह जाए, उसके लिए हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक। और मैंने इसको इसलिए मिटा दिया ताकि प्रॉपर स्पेस रहे तो उस पर आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैसे पहचानेंगे कि यह पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपका इंटरव्यूअर ले जाता है प्लांट में और पूछता है 3-4 पंप हैं कि इसमें से कौन सा सेंट्रीफ्यूगल पंप है और आप पहचान के मुझे बताओ। तो उसका जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की आप केसिंग को देखें, उसको केसिंग को देखें। जैसे मैंने बताया तीन टाइप की केसिंग होती है। फर्स्ट जो होता है वो वॉल्यूट, सेकंड जो होता है वॉर्टेक्स, थर्ड जो होता है हमारा डिफ्यूजर। केसिंग को आप देख के बता सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है या नहीं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप की केसिंग अदर पंप की केसिंग से बिल्कुल डिफरेंस होती है। तो आप इन तीनों की केसिंग देखकर आप बता सकते हैं कि वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है। और क्या देख के बता सकते हैं? नंबर 4 है, उसमें डिस्चार्ज लाइन में जो एनआरबी होगी और सक्शन में जो हमारा स्ट्रेनर होगा, इसको भी देख के बता सकते हैं। मोस्टली ये पंप में, सभी पंप में लगे होते हैं, ये कॉमन चीज होते हैं, लेकिन आप उसके केसिंग को देख के तुरंत बता सकते हैं कि ये किस टाइप का है। और तो एक चीज और होता है, पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्सियल टाइप भी आता है और रेडियल टाइप भी आता है। तो आप एक्सपीरियंस अगर कैंडिडेट हैं तो आप इनमें से इसको भी देख के बता सकते हैं, इसको भी देख के बता सकते हैं। बट अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप केसिंग को देखकर बता सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से कि सर मैं ये केसिंग देख के बता सकता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे बहुत बार पूछे जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ये हमारा वर्क करता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं इक्वल टू एमवी स्क्वायर अपॉन आर, या आप बता सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सेंट्रीफ्यूगल पंप की डायरेक्शन क्या होती है, किधर एक्टिंग करती है, तो यह हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ वर्क करता है, या बता सकते हैं। मोस्टली इतनी चीजें इसकी प्रिंसिपल में पूछी जा सकती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कहाँ यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किस पर्पज से यूज किया जाता है, मीन्स उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो हमें जहां पर हाई फ्लो रेट की जरूरत होती है, वहां पर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं। इसीलिए इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री हो, जैसे पेट्रोकेमिकल हो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, उसमें अगर 100% पंप, 100 पंप यूज है तो 75-80% सेंट्रीफ्यूगल पंप ही मिलेंगे, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि इसका यूज क्या है, तो हाई फ्लो रेट जहां पाना होता है वहां पर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं, जहां हाई प्रेशर पाना होता है वहां पर हम इसको यूज नहीं करते, वहां हम रेसिप्रोकेटिंग पंप को यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कैसे पहचानेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में सक्शन कौन सा है और डिस्चार्ज कौन सा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो इसका स्किल टेस्ट होता है, ये तो पूछा ही जाएगा आपसे, ठीक। तो हमने ये पंप अपना है, इसमें ये इंपेलर अपने लगे हुए हैं, ये सक्शन लाइन, ये डिस्चार्ज लाइन। आपको इंडस्ट्री में ले जाया गया और पूछना है, उसने पूछा कि इसको बताओ कि कौन सा इसमें सक्शन है और कौन सा डिस्चार्ज लाइन है। तो सबसे पहले सक्शन की हम बात करते हैं, सक्शन पहचानना है तो क्या करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, सक्शन लाइन में हमेशा स्ट्रेनर यूज किए जाते हैं, STRAINER, स्ट्रेनर। सक्शन लाइन में हमेशा स्ट्रेनर यूज किया गया होगा। अब स्ट्रेनर पहचानने का तरीका, स्ट्रेनर कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रेनर वाई टाइप के होते हैं, एक टी टाइप के होता है, टी टाइप स्ट्रेनर, वाई टाइप स्ट्रेनर, मोस्टली दो टाइप की इंडस्ट्री में यूज की जाती है, टी टाइप स्ट्रेनर एंड वाई टाइप स्ट्रेनर यूज किए जाते हैं। तो आप जैसे ही स्ट्रेनर देख लें उस लाइन को आप आंख बंद करके बोल सकते हैं सर ये सक्शन लाइन है, ठीक। अब डिस्चार्ज लाइन कैसे पहचानेंगे, डिस्चार्ज लाइन में हमेशा एनआरबी यूज किया जाता है, मींस नॉन रिटर्निंग वॉल्व।
जिस लाइन में आपका नॉन रिटर्निंग वॉल मींस चेक वॉल, इसको चेक वॉल भी बोलते हैं, इसको चेक वॉल भी बोलते हैं, जिस लाइन में आपके एनआरवी यूज हो रहा है उससे डिस्चार्ज वॉल, डिस्चार्ज लाइन आप बोल सकते हैं सिंपली। मींस जिसमें स्ट्रेनर लगा हो उसको सक्शन लाइन, जिसमें एनआरवी लगा हो उसको डिस्चार्ज लाइन आप बोल सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, स्ट्रेनर क्यों यूज करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्ट्रेनर क्यों यूज करते हैं। तो क्या है, बाई चांस आप मानिए ये पंप अपना, ठीक, इसके अंदर इंपेलर है, ये सक्शन है, ये डिस्चार्ज है, ये हमारा कोई वेसल था जिसमें हमारा लिक्विड फिल था, ठीक, लिक्विड फिल था, तो क्या हो सकता है इसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल कूड़ा करकट हो सकते हैं, जो अगर हम इसको कहीं रिमूव ना करें तो ये हमारे डायरेक्ट पंप में जाएगा, पंप में इंपेलर को खराब करेगा, कोरोजन करेगा, और हो सकता है जहां पर हमारा प्रोडक्ट हो रहा है, रिएक्टर हो रहा है, वहां पर जाए, जिससे कुछ रिएक्शन में प्रॉब्लम हो। उसको अवॉइड करने के लिए सक्शन लाइन में हमेशा स्ट्रेनर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे ये क्या करेगा, इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या अनवांटेज पार्टिकल हैं उसको ये ट्रैप कर लेगा, एक छलनी टाइप की होगी, इसके अंदर मेस लगे होंगे, मेस लगे होंगे, तो ये क्या करेगा डस्ट पार्टिकल को यहाँ पर ट्रैप कर लेगा, मीन्स रोक लेगा, रोक लेगा, तो ये हमारे पंप में नहीं जा पाएंगे, तो ये यूज है हमारे स्ट्रेनर का, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआरवी क्यों यूज करते हैं पंप में, अगर ना करें तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसके बारे में भी, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप कॉपी में नोट करते रहिएगा। स्ट्रेनर के बारे में बात करें, स्किल टेस्ट में मोस्टली यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे अगर पंप से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, ये गारंटी है मेरी आपसे, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तो मुझे बताइएगा, और अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, एनआरवी क्यों यूज करते हैं, देखिए सिंपल सा चीज क्या है, ये हमारा पंप था सेंट्रीफ्यूगल, ये हमारा सेक्शन लाइन, ये डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लाइन में हमारा एनआरवी यूज होता है, ठीक, इतना है। सपोज डेट मानो ये एनआरवी अपना नहीं लगा है, यहाँ पर सिंपल सी पाइप है, यहाँ एक वाल्व लगा था बस, डिस्चार्ज वाल्व, पंप हमारा चल रहा है, चल रहा है, लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, बाई चांस किसी कारण वैसे पावर फेलियर होता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है और पंप बंद हो जाता है, तो क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो बैक फ्लो होगा, वो बैक फ्लो होगा, और बैक फ्लो होकर इस इम्पेलर पे आके इम्पैक्ट करेगा, मीन्स टकराएगा, टकराएगा, जिससे क्या होगा कि ये जो इम्पेलर होंगे उसको ब्लेड को टूटने का चांस होते हैं या कुछ डैमेज होने के चांस होते हैं, ये एक मेन कारण है। अगर यहां पर हम लगा देते हैं एनआरवी को तो ये क्या करेगा, अगर एक बार जो लिक्विड यहां से पंप हो गया और पावर फेलियर भी होता है तो इस लिक्विड को वापस नहीं आने देगा, नहीं आने देगा, तो हमारे इम्पेलर को डैमेज नहीं होगा। दूसरा रीजन क्या है कि अगर इसको नहीं लगाते हैं तो एक तो इम्पेलर को डैमेज करेगा ही, दूसरा क्या होगा, और वापस आएगा जो लिक्विड वापस आएगा, अगर ये वाल्व सक्शन वाल्व क्लोज नहीं है तो क्या है, जहां से हम लिक्विड को सक कर रहे थे, सम्प से उठा रहे थे, वहां पर वापस ही लिक्विड आएगा और इसका लेवल हमारा इंक्रीज करेगा, जिससे इंडस्ट्री में कोई ट्रेजिडी होने के चांस बढ़ते रहते हैं, इसलिए हम डिस्चार्ज लाइन में हमेशा एनआरवी यूज करते हैं, ओके। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वाटर सक कैसे होता है पंप तक, ठीक है देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कहीं से भी हमें लिक्विड जब सक करना होता है वो पंप तक पहुंचता कैसे है, तो देखते हैं, ये मान लेते हैं हमारा पंप था, ये इसके अंदर इम्पेलर है, ठीक, ये सक्शन लाइन, ये डिस्चार्ज लाइन, ये कहना क्या चाह रहा है, अगर किसी वेसल में यहाँ पर हमारा लिक्विड फिल है तो ये यहाँ से हमारा पंप की आई तक पहुंचता कैसे है, तो सिंपल सी चीज है, मान लो कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ये लिक्विड पे जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक है, जब हमने पंप को स्टार्ट किया तो इम्पेलर हमारा हाई स्पीड में रोटेट करना स्टार्ट किया, रोटेट करेगा तो इसकी आई पे हमारा पार्शियल वैक्यूम, मतलब 100% वैक्यूम से नहीं बोल सकते, पार्शियली वैक्यूम जनरेट होगा जो एटमॉस्फेरिक से कम होगा, मीन्स बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तो जब यहाँ प्रेशर हाई है कंपेयर टू इसके तो ये लिक्विड यहाँ से सक होना स्टार्ट करता है और आई तक ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये सक होता है, तो ऐसे आप जवाब दे सकते हैं कि सर इस तरीके से हमारा लिक्विड पंप होकर केसिंग तक पहुंचता है, ओके। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 8 नंबर क्वेश्चन, प्राइमिंग क्यों करते हैं और ना करें तो क्या नुकसान है उससे, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन कि प्राइमिंग हम क्यों करते हैं, ठीक, तो सबसे पहले चीज जान लीजिए कि प्राइमिंग क्यों करते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं, पंप है, ये सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन,
प्राइमिंग का सीधा सा मतलब क्या होता है कि पंप के अंदर जो एयर पॉकेट्स हैं उसको रिमूव करना प्राइमिंग कहलाता है। पंप के अंदर मान लो आपने नया नया कोई पंप लिया और इंस्टॉल किया, तो उसके अंदर सिंपल सा चीज एयर होगा। एयर होगा तो क्या होगा, जब समझ लिए एक चीज, क्या अगर मान लीजिए एयर था और उसको हमने निकाला नहीं और पंप को स्टार्ट किया, तो जो लिक्विड होगा ना वो प्रॉपर लीनियर फ्लो नहीं होगा, हमें फ्लो नहीं मिलेगा। कैसे, जैसे हम अपने गमलों में पानी डालते हैं, पाइप के थ्रू पानी डालते हैं, तो क्या होता है पाइप में, ऐसे आपने देखा होगा बहुत बार सिचुएशन कि पानी के अंदर से एयर बबल्स आ जाते हैं, जिससे क्या होता है पानी कट कट के आता है, ऐसे पानी कट कट के आता है, जिससे हमें प्रॉपर फ्लो नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। इसी को अवॉइड करने के लिए प्राइमिंग की जाती है। प्राइमिंग में क्या करेंगे कि जो हमारा डिस्चार्ज लाइन होगा, यहाँ पर एक वेंट लाइन होता है, बोलते हैं वेंट, वेंट लाइन होता है, वेंट लाइन में एक वॉल्व होता है जिसे ओपन करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा डिस्चार्ज लाइन या केसिंग या सेक्शन में एयर पॉकेट होंगे वो उसके थ्रू रिमूव हो जाएंगे। रिमूव हो जाएंगे तो इस वॉल्व को क्लोज कर देंगे। एक तरीका और है प्राइमिंग करने का, क्या करते हैं कि सक्शन वॉल्व को हम ओपन करेंगे, डिस्चार्ज तो बंद लिया, सक्शन वॉल्व को ओपन करेंगे तो जो लिक्विड है ये सक्शन लाइन में फिल हो जाएगा, केसिंग में फिल हो जाएगा और डिस्चार्ज लाइन में फिल हो जाएगा, जिससे जो एयर पॉकेट होंगे वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें वेंट लाइन ओपन करनी होती कि जो एयर पॉकेट कुछ रह जाए वहां से रिमूव हो जाए। ये एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि वेंट वाल्व को ओपन करके हम प्राइमिंग करते हैं। ठीक, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैविटेशन क्या होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ कि जो आप समझ नहीं सकते हैं, और मैं बगल में आपके फिगर दिखा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे सब चीज, ठीक है ना। और ऐसा वीडियो जिसमें इंडस्ट्रियल और इंटरव्यू और क्लासरूम टाइप के तीनों चीजें मिले, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगी, हमें उम्मीद करता हूँ कि मिलेगी भी नहीं, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल कोई बताता है तो एजुकेशनल नहीं, क्लासरूम की नहीं, क्लासरूम की बताता है तो इंटरव्यू की नहीं। लेकिन ये वीडियो इसलिए मैं डिजाइन किया हूँ कि इसमें एक ही वीडियो में तीनों चीजें आप समझ सकें। इंडस्ट्री से रिलेटेड है तब भी, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं अभी कॉलेज टाइम में तब भी, और इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तब भी। तो चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या हमारा अगला क्वेश्चन था कि प्राइमिंग तो हमने कर लिया, कैविटेशन क्या होता है, कैविटेशन के बारे में बात करें। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन, कैविटेशन, कैविटेशन के बारे में बात करते हैं कि कैविटेशन क्या होता है। तो अगर टेक्निकल वर्ड में हम बात करें तो पहले फिगर बनाते हैं, ये पंप था, ये सक्शन लाइन, ये डिस्चार्ज लाइन हमारा है। अगर सक्शन लाइन का प्रेशर, सक्शन लाइन का प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, तब क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड होती है वो बबल्स फॉर्मेशन होने लगती है, मतलब वो बॉयल होकर बबल्स बनने लगते हैं। वो जो बबल्स होते हैं वो बबल्स जाके जो इंपेलर होते हैं उसको कोलैप्स, इंपेलर पे जाके कोलैप्स होते हैं, मतलब उस पर टकराते हैं और फूटते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इंपेलर होता है, जो इंपेलर होता है इसमें इरोजन आ जाता है, मतलब ये कट जाते हैं। मैं फिगर में आपको दिखा रहा हूँ जैसे वहां कैसे कटा हुआ है, कट जाते हैं। इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं कैविटेशन, और जो ये कट जाता है इसको बोलते हैं कैविटी। जब आप पंप को स्टार्ट करेंगे और सही से प्राइमिंग नहीं किए होते हैं या उसका वेपर प्रेशर मेंटेन नहीं करते हैं सक्शन का, तो क्या होता है पंप में कट कट की आवाज आती है, बहुत तेजी से साउंड करता है, जिससे आप समझ जाते हैं कि कैविटेशन हो रहा है। अभी आप करेंगे सक्शन लाइन के प्रेशर, वेपर प्रेशर इसमें कैसे, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, पहले आप उसको देख लीजिएगा, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर, कि जो सक्शन लाइन का प्रेशर है हमेशा लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एटमोस्फेरिक प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो हमारा क्या होता है बॉइलिंग। तो यहां तो हमारा वेपर जो सक्शन लाइन के प्रेशर वो वेपर प्रेशर से भी कम हो गया है, तो सिंपल सी बात है बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो बबल्स जाकर इंपेलर से टकराएंगे, और टकराएंगे तो इंपेलर को डैमेज करते हैं। इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं हम कैविटेशन। ओके, ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 10 नंबर क्वेश्चन, हमेशा डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज करके क्यों चलाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कि डिस्चार्ज वाल्व क्लोज क्यों रखते हैं। जब पंप हम चलाते हैं तो डिस्चार्ज वाल्व क्लोज करके क्यों चलाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये मान लो यहाँ सक्शन वाल्व है, ये हमारा डिस्चार्ज वाल्व है। ओके, तो क्या है कि इसका लॉजिक क्या है कि अगर डिस्चार्ज वाल्व हमने क्लोज करके नहीं चलाया, मीन्स इसको हमने 100% ओपन कर दिया, अब पंप को हमने स्टार्ट किया,
तो क्या होता है कि पंप पे जब हमने पावर सप्लाई दिया तो पंप पे अचानक बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, जो पावर सिस्टम है उस पे अचानक ह्यूज अमाउंट पे पावर लोड आ जाता है। तो सभी पंप का एक सेट पॉइंट होता है कि हमें इतने लोड पे इस पंप को चलाना है। जब इस लोड को भी क्रॉस कर जाता है सेट पॉइंट को, तो वो पंप ट्रिप हो जाता है, मीन्स बंद हो जाता है। इसी फिनोमिना को अवॉइड करने के लिए कि बार बार पंप ट्रिप ना हो, इसलिए पंप के डिस्चार्ज वाल्व को हमेशा बंद करके चलाते हैं। और जब एक बार पंप चल जाता है, उसके बाद हम धीरे धीरे डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करते हैं, जिससे लोड ज्यादा नहीं बढ़ता। धीरे धीरे लोड बढ़ाने से हमारा फ्लो भी मेंटेन हो जाता है और पंप ट्रिप भी नहीं करता। यही मेन रीजन है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज हमेशा क्लोज करके चलाते हैं। अगर आप रेसिप्रोकेटिंग की बात करेंगे तो उसमें ओपन करके चलाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक, सिंपल सा बात है कि लोड जो होता है, लोड अचानक बढ़ने से पंप ट्रिप हो जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज वाल्व क्लोज करके चलाते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ल्यूब ऑयल क्यों यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी अपना है कि आखिर ल्यूब ऑयल यूज करने की जरूरत क्या पड़ी सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ल्यूब ऑयल, चलिए देखते हैं। सारे पॉइंट में एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा जितने इस पंप से रिलेटेड होंगे, जो इंडस्ट्री में पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। ठीक, तो आप देखिए क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल पंप में ऐसे ल्यूब ऑयल एक डिब्बे टाइप का बना होता है, छोटा सा डिब्बे टाइप का होता है, उसमें ल्यूब ऑयल फिल होता है। वो क्या करता है, आप सोचिए, टैप जो इसका इंपेलर होता है वो एक शाफ्ट से कनेक्ट होता है, शाफ्ट रोटेट करेगा तभी इंपेलर रोटेट करेगा ना। तो इसकी ये केसिंग है, पंप की केसिंग है और ये शाफ्ट। तो केसिंग और शाफ्ट के बीच थोड़ा सा तो गैप होगा ना, तभी शाफ्ट रोटेट कर रही है ना। अगर 100% फिक्स कर देंगे तो शाफ्ट तो रोटेट नहीं करेगा, थोड़ी सी गैप होती है। बट जहां पर ज्वाइंट्स होते हैं, दो फ्रिक्शन वाली चीजें, ये बहुत हाई स्पीड से मूव कर रही है, तो वहां पर फ्रिक्शन जनरेट होते हैं। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए कि हमारा मटेरियल कटे ना, उसके लिए हम वहां पर ल्यूब ऑयल प्रोवाइड करते हैं। ये दो काम करता है, ये तो फ्रिक्शन को कम करता है, दूसरा हमारी कूलिंग का भी काम करता है, क्योंकि आप जानते हैं जहां भी रोटेटिंग पार्ट्स होती है वहां पे हीटिंग होगी, उसको भी कूल करने के लिए ल्यूब ऑयल यूज करते हैं। ये हमारा हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए मैं दूसरे पेज पर उठाता हूँ अपने। 12 नंबर क्या है, पंप में सील क्यों प्रोवाइड करते हैं, ना करें तो क्या नुकसान हमारा? चलिए ठीक है, देखते हैं, इसको पहले मिटा दें। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि पंप को स्टार्टिंग करने का पूरा प्रोसीजर क्या है, जो पूछा जाता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट से कि आप सेंट्रीफ्यूगल पंप दे दिया गया आपको, कैसे स्टार्ट करेंगे, उसका प्रोसीजर बताइए, जो मोस्टली पूछे जाते हैं स्किल टेस्ट में भी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन अपना क्या है, पंप में सील क्यों प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, देखते हैं, सील क्यों प्रोवाइड करते हैं पंप में। जैसा कि आप जानते हैं पंप में मेनी टाइप्स के सील प्रोवाइड किए जाते हैं, मैकेनिकल टाइप सील एंड अलग अलग टाइप के सील प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका पर्पस क्या है? देखिए, ये हमारा इंपेलर था, ये इसके ऊपर केसिंग लगी होती है, ठीक, और ये शाफ्ट है अपना, इतना तो क्लियर है। अब आप एक चीज सोचिए कि शाफ्ट और केसिंग के बीच तो थोड़ा सा स्पेस तो रहता ही है, अगर स्पेस नहीं रहेगा तो शाफ्ट मूव नहीं करेगा, थोड़ा सा स्पेस है। जब लिक्विड इंपेलर मूव करेगा तो लिक्विड में हाई प्रेशर होगा, तो इस रास्ते के थ्रू ये लिक्विड को बाहर आने के चांस होंगे ना। लिक्विड तो बाहर आ जाएगा केसिंग से, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लिक्विड निकलने के चांस होते हैं, जिससे अगर कोई हजार्डस केमिकल है तो ह्यूमन लॉस हो सकते हैं, किसी के ऊपर आ सकता है। तो इसलिए क्या किया गया, यहाँ पर एक सील प्रोवाइड किया। सील क्या काम करता है कि केसिंग में जो लिक्विड होता है उसके अंदर एक लेयर फॉर्म करता है। लेयर फॉर्म करने से वो एटमॉस्फेयर को और केसिंग के बीच एक लेयर हो जाता है, जो लिक्विड को बाहर नहीं आने देता। ये काम होते हैं हमारे सील के। ठीक, तो सील जो हमारे मोस्टली यूज किए जाते हैं पंप में, वो सील प्लान नाम से बोले जाते हैं। सील प्लान, मेनी टाइप्स के सील प्लान यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, लेकिन मोस्टली जो यूज करते हैं वो सील प्लान 11 और 52। ये बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला सील प्लान है। सील प्लान में अलग अलग चीजें होती हैं, और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस सील प्लान में क्या किए जाते हैं कि कूलिंग वाटर प्रोवाइड किए जाते हैं उस सील में। क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विड होगा ना, वो इसके अंदर एक लेयर फॉर्म करता है, केसिंग के एक लेयर फॉर्म करेगा, तो यही लेयर क्या करता है, इस लिक्विड को बाहर नहीं आने देता, उसे प्रेस करके रखता है लिक्विड को।
इसलिए सीलिंग का ये फंडा है। तो सिंपल सा बात है, सीलिंग करने से ये फायदा है कि लिक्विड को केसिंग से बाहर ना आने दिया जाए। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनपीएसएच क्या होता है? ये तो आपको सुन के हंसी आ रही होगी क्योंकि ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा पूछे ही जाते हैं। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात हो रही है तो एनपीएसएच जरूर पूछे जाएंगे। तो एनपीएसएच क्या है? एनपीएसएच का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, लगभग 20 मिनट्स का वो वीडियो है, उसमें एनपीएसएच का पूरा डिटेल मैंने बताया हुआ है एक एक पॉइंट करके। तो यहाँ पर मैं एनपीएसएच के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा है। तो एनपीएसएच का मैं सिर्फ यहाँ पर फुल फॉर्म आपको बताने वाला हूँ, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप सारे क्वेश्चन जितना मैंने आपने बताया है वो कॉपी पर नोट करके जरूर रखिए या मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखिए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप परेशान मत होइए। जितना इस वीडियो से रिलेटेड लिंक है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कैसे पहचाने के दो पंप सीरीज में है या पैरेलल में है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, आपको इंटरव्यूअर ले जाएगा प्लांट में और पूछेगा ये दो पंप हैं, ये बताओ ये सीरीज में लगाए गए हैं या पैरेलल में लगाए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं, पहले हम सीरीज की बात कर लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे दो पंप सीरीज में। ठीक, मान लेते हैं एक सेंट्रीफ्यूगल पंप ये है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप ये है। ठीक, 1 और 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप का सेक्शन ये रहा और इसने कुछ डिस्चार्ज दिया, मान लेते हैं 2 kg प्रेशर पे इसने डिस्चार्ज किया। ओके, अगर ये डिस्चार्ज दूसरे पंप के लिए सक्शन का काम करे, ओके, दूसरे पंप के लिए सक्शन बन जाए और फिर ये डिस्चार्ज करे, मान लो ये 5 kg पर डिस्चार्ज किया, तो सिंपल सा बोल सकते हो एक पंप का डिस्चार्ज अगर दूसरे पंप के लिए सक्शन बनता है तो इसको बोलते हैं हम सीरीज अरेंजमेंट। ओके ना, ये सीरीज अरेंजमेंट होता है। अभी एक चीज और इसमें बताना जो पैरेलल बताने के बाद में बताऊंगा। ठीक, पैरेलल कैसे पहचानेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट है कोई दो पंप कैसे आप पहचानेंगे। तो मान लो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप ये है हमारा, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप ये है, मतलब 2 नंबर। इस पंप ने सक्शन लिया, इस पंप ने सक्शन लिया, इसका डिस्चार्ज ये है, इसका डिस्चार्ज ये है। अगर इन दोनों का डिस्चार्ज जो है वो एक कॉमन हो जाए मिलके तो उसको बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ पंप। ठीक, यहाँ से इसने पंप ने सक किया, यहाँ से इस पंप ने सक किया और दोनों का डिस्चार्ज जाकर एक कॉमन जब बन जाता है तो इस टाइप का अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ पंप। इसने यहाँ से सक्शन लिया, इसने भी सक्शन लिया, दोनों ने अपना अलग अलग डिस्चार्ज दिया बट दोनों डिस्चार्ज जाके लास्ट में एक कॉमन बन गए, इसको बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ पंप। अब दोनों यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जो हमारा सीरीज टाइप अरेंजमेंट होता है वो हमें हाई हेड, जहां पर हमारी हाई हेड की जरूरत होती है उसको इंक्रीज करने के लिए हम सीरीज टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप का अरेंजमेंट करते हैं। जैसे हमें लिक्विड को बहुत ऊंचाई तक फ्लो करना है, हाई हेड तक फ्लो करना है, तो वहां पर हमारे पास सीरीज अरेंजमेंट हम पंप लगाएंगे। और पैरेलल अरेंजमेंट कहाँ लगाएंगे, जहां पर हमें हाई फ्लो की जरूरत होती है, हाई फ्लो रेट की जरूरत होती है, वहां पर हम पैरेलल टाइप अरेंजमेंट सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं। मान लो हमें बहुत दूरी पर कहीं पर लिक्विड फ्लो करना है और सेम प्रे उसके फ्लो के साथ करना है तो वहां पर हम पैरेलल टाइप अरेंजमेंट यूज करते हैं। ये हो गया हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन यही हमारा था, कब हम सीरीज अरेंजमेंट करते हैं और कब पैरेलल करते हैं। इसी में दोनों क्वेश्चन अरेंज हो गए कि जब हमें हाई हेड की जरूरत होती है तो हम सीरीज यूज करते हैं और हाई फ्लो रेट की जरूरत होती है तो पैरेलल अरेंजमेंट यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्राइमिंग कैसे करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। मैंने आपको शुरुआत में बताया था लेकिन फिर से बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने जितने क्वेश्चन लिए आपको खुद पता चल रहा होगा वो सब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड, इसलिए आप निश्चिंत रहें। अगर एक बार आपने वीडियो देख लिया तो दोबारा तो देखने की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है कि प्राइमिंग कैसे करते हैं। नंबर हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, प्राइमिंग कैसे करते हैं। प्राइमिंग सिंपल सा बात है, प्राइमिंग करते क्यों है मैंने पहले बताया था। प्राइमिंग का काम क्या होता है कि जो पंप के अंदर एयर बबल्स हैं, एयर पॉकेट्स हैं, उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। प्राइमिंग करते कैसे इंडस्ट्री में ये देखते हैं, ये सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ पर मैंने बताया था एक वेंट वाल्व होता है, वेंट लाइन है,
यहाँ एनआरवी लगा हुआ है, यहाँ हमारा डिस्चार्ज वाल्व लगा हुआ है, ठीक। क्या करेंगे, सिंपल सा चीज, पंप को चलाने से पहले सक्शन लाइन तो ओपन होगा, डिस्चार्ज क्लोज रहता है, डिस्चार्ज क्लोज रहेगा, तो वेंट लाइन जो है उसमें जो वाल्व लगा होता है, यहाँ एक वाल्व लगा होगा, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, सक्शन लाइन, उसके बाद केसिंग और डिस्चार्ज लाइन में जो भी एयर पॉकेट्स होंगे वो उसके थ्रू निकल जाएंगे, ठीक। ये एक प्रोसीजर है एसओपी के थ्रू, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि सक्शन लाइन को जब हम खोलेंगे तो लिक्विड सक्शन लाइन में फिल हो जाएगा, केसिंग में फिल हो जाएगा और डिस्चार्ज लाइन में फिल हो जाएगा, तो इसको भी बोलते हैं प्राइमिंग करना, बट तब भी हमें वेंट वाल्व को ओपन करना पड़ता है एयर पॉकेट्स को रिमूव करने के लिए। नहीं करेंगे तो क्या हमारा नुकसान है, प्राइमिंग, प्राइमिंग नहीं करेंगे तो एयर बबल्स होगा, तो हमें लीनियर फ्लो लिक्विड का नहीं मिल पाएगा, ऐसे कट कट के मिलेगा, मीन्स हमें प्रॉपर फ्लो नहीं मिल पाएगा। ओके, ये आंसर होगा, आपको आंसर देना है इंडस्ट्री में अगर पूछा जाता है या इंटरव्यू में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग प्रोसीजर क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। चलिए लास्ट क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप, ये सक्शन लाइन थी और हमने पहले आपको बताया कि यहाँ स्ट्रेनर लगा होता है, ठीक, स्ट्रेनर लगा हुआ, तो इंटरव्यूअर आपको प्लांट में ले जाएगा और पूछेगा एक चीज बताइए आप कि सक्शन लाइन तो आपने पहचान लिए की है, स्ट्रेनर भी आपने पहचान लिए है, कैसे आप पता लगा पाएंगे कि स्ट्रेनर चोक हुआ है या नहीं, मतलब स्ट्रेनर खराब हो गया है या नहीं, ठीक। तो आपको क्या जवाब देना है कि सर हमारा जो स्ट्रेनर के बाद है वो हमारे प्रेशर गेज लगा होता है, आप देखेंगे वहाँ एक प्रेशर गेज लगा होगा, प्रेशर गेज, और इससे पहले का प्रेशर या तो प्रेशर गेज लगा होगा या आपको पता होगा कि कितने प्रेशर पे हमारा वो लिक्विड वहां पर है उस प्रेशर में, ठीक। मान लो यहाँ भी प्रेशर गेज है, तो अगर जो ये स्ट्रेनर हमारा खराब है, मींस खराब होने क्या मींस है, ये स्ट्रेनर मींस एक मेस होगा, जाली होगी, इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे आके बैठ जाएंगे तो लिक्विड सही से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो मान लेते हैं शुरुआत में प्रेशर लिक्विड का था 1 kg/cm² और जो स्ट्रेनर से पास हुआ वो 0.5 kg प्रेशर पे पास होता है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इनको डिफरेंस आएगा 0.5 kg। आप तुरंत समझ जाओगे कि सर हमने 1 kg पे हमारा लिक्विड था और स्ट्रेनर से पास करने के बाद 0.5 आ रहा है, मीन्स प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, मीन्स सीधा सा मतलब इसका ये हो रहा है कि स्ट्रेनर हमारा चोक हो गया, मतलब डस्ट उसके अंदर भर गया, इसके लिए हमें क्लीनिंग करवानी है। तो इस तरीके से आप उन्हें बता सकते हैं कि ये चोक है प्रेशर डिफरेंस को देख कर। ओके, अब आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि एसओपी क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाने की, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। तो चलिए उसके बारे में आज का लास्ट क्वेश्चन है और पूरा डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे हम चलाएंगे। उम्मीद करता हूँ अभी तक तो आप बिल्कुल बोर नहीं हुए होंगे, वीडियो थोड़ी लगभग 40-45 मिनट की तो बनी गई होगी, तो चलिए उसके लिए कोई बात नहीं है, एक वीडियो में अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात तो मुझे नहीं लगती। चलिए बात करते हैं, तो क्वेश्चन तो अपने खत्म हो गए, अब हम बात करते हैं एसओपी की कि पंप स्टार्ट कैसे करेंगे, पंप स्टार्टिंग के लिए एसओपी, ठीक। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप था, ये इंपेलर है इसके अंदर, ये सक्शन लाइन, ये स्ट्रेनर, ये डिस्चार्ज लाइन, ये एनआरवी, ये डिस्चार्ज वाल्व, यहाँ सक्शन वाल्व, ओके, इतनी चीजों की आपकी जरूरत है। ये वेंट लाइन है, वेंट लाइन, ओके, ड्रेन लाइन भी होती है, वो भी इधर होती है केसिंग में, उसको आप अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। सिंपल सा चीज, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बोला गया आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करना, आप क्या क्या करोगे, तो सिंपल सा चीज, आप पंप के पास जाओगे, पहले आपको देखना है कि ल्यूब ऑयल में लेबल है या नहीं, जो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप के पास एक बॉक्स टाइप का बना होगा उसमें आपको चेक करना है ल्यूब ऑयल लेबल है या नहीं। अगर उसमें सील प्लान है तो उसमें देखना है कि जो सील प्लान के थ्रू हमारी कूलिंग वाटर के उसमें जा रही है सीलिंग में, उसका वॉल ओपन है कि नहीं, अगर ओपन नहीं है तो उसे ओपन करेंगे, दो चीज हो गया। थर्ड नंबर हम क्या करेंगे, इसकी प्राइमिंग करेंगे, प्राइमिंग करने का तरीका मैंने आपको पहले से बताया, वेंट वॉल ओपन करेंगे, डिस्चार्ज वाल अभी क्लोज हमारा, वेंट वॉल ओपन करेंगे, जो एयर पॉकेट होंगे वो वहां से निकल जाएंगे, प्राइमिंग अच्छे से करना। दूसरे तरीके से कैसे लोग करते हैं जैसा मैंने भी किया है वो मैं बताता हूँ, क्या करते हैं हम सक्शन वाल्व को ओपन करते हैं तो जो लिक्विड होगा वो सक्शन में फिल हो जाएगा, केसिंग में फिल हो जाएगा, डिस्चार्ज में फिल हो जाएगा, इसे भी प्राइमिंग बोलते हैं, बट तभी हमें वेंट वाल्व को ओपन करना होता है क्योंकि बाद में वो प्रॉब्लम आती है कि अगर प्राइमिंग अच्छे से नहीं हुई है तो पंप में आवाज आने लगती है क्योंकि बबल्स जनरेट होती है तो फ्लो भी हमें अच्छे से नहीं मिल पाता, तो हमने वेंटिंग अच्छे से कर ली, मीन्स प्राइमिंग अच्छे से कर ली। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है,
सक्शन वाल्व हमने ओपन कर लिया, डिस्चार्ज और क्लोज है, हमने पावर स्टेशन से पावर दिया उसको, पावर दिया तो क्या करेगा ये इंपेलर हाई स्पीड पर मूव करेगा, हाई स्पीड से मूव करेगा तो यहाँ लो प्रेशर या हाई प्रेशर, ये लिक्विड सक होकर यहाँ पर आएगा, सक होकर यहाँ से अभी सक हुआ बस, लेकिन हमने डिस्चार्ज वाल्व ओपन नहीं किया, क्यों? ट्रिपिंग के चांसेस, जैसे मैंने पहले बताया था। तो अब क्या करेंगे, जब हमारा पंप से डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया लिक्विड, अब हम डिस्चार्ज वाल्व को धीरे धीरे 1 थ्रेड 2 थ्रेड 3 थ्रेड खोलेंगे, जिससे हमारा फ्लो मेंटेन होता रहे और पंप में ट्रिपिंग के चांस ना हो। इस तरीके से हम पंप से फ्लो भी अच्छे से पा सकेंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी हम कुछ टाइम तक वहाँ रुकेंगे, देखेंगे कोई अबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही है, या सीलिंग के थ्रू कोई लिक्विड लीक तो नहीं हो रहा। अगर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आ रही है तो हम डीसीएस पैनल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहाँ बोल सकते हैं कि सर सारा चीज ऑटोमेटिक से जैसा है कि हमने चेंज ओवर कर लिया है या पंप स्टार्ट कर लिया है, उसके बाद आपको यही आपको बताना होता है कि पंप स्टार्ट कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाएं और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सिंगल पर्टिकुलर नहीं है, इसमें कॉलेज वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं, इंटरव्यू वाले भी दे सकते हैं और जिनका स्किल टेस्ट है वो तीनों लोग दे सकते हैं एक ही वीडियो में। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे सारी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के बारे में वीडियो आने वाला है। अभी पंप हुआ, रेसिप्रोकेटिंग आएगा, गियर पंप आएगा, फर्नेस, कंप्रेसर, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, सारी वीडियो कवर होंगी, लंबी सीरीज चलने वाली है। तो अगर इंडस्ट्रियल सारी चीज़ जाना है, और मैं एजुकेशनल क्लासरूम की तो वीडियो बनाता ही हूँ आप जानते हैं, तो सारी चीज़ जानने के लिए जुड़े रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।